हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RPMC की जो काउंसलिंग चल रही है। RPMC में आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है तो आपको करवा लेनी चाहिए। कौन से कोर्सेज, चार कोर्सेज जो चूज़ करने हैं तो कौन से कोर्सेज आपको बेटर हैं वो जो चूज़ करने चाहिए, और क्या कट ऑफ रहेगी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ओनली इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आपको चूज़ करने चाहिए और प्राइवेट और गवर्नमेंट में किस तरह आपको फिलअप करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। वैसे मैं चॉइस फिलिंग करने का तरीका आपको बता चुका हूँ, ओनली इसमें आपको प्रायोरिटी कैसे देनी है वो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। यदि आप RPMC की तैयारी नहीं कर रहे हो या कोई और RPMC की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी को जरूर, इसको जो RPMC के फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनको जरूर शेयर करना। और मैं बताऊंगा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा और जो 2020-21 सेशन में एडमिशन लेना है तो कैसे लेंगे, वो भी इसी वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहना, अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करना। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 23 जुलाई से आपकी जो RPMC की काउंसलिंग है, जो बड़े दिनों के इंतज़ार के बाद, बहुत लॉन्ग टाइम इंतज़ार के, वेटिंग के बाद स्टार्ट हो चुकी है। 31 जुलाई तक स्टार्ट रहने वाली है आपकी काउंसलिंग। कब तक? 31 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो 31 जुलाई तक आपको करना है। आज हो गई है 27 जुलाई, कितनी हो गई है 27 जुलाई आपकी आज हो चुकी है, और 27 जुलाई को तक आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हो तो फॉर्म भर देना चाहिए। कौन से कोर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपन कोर्सेज पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्सेज कौन कौन से हैं। टोटल 12 कोर्सेज है। सबसे 12 कोर्सेज में सबसे अच्छी प्रायोरिटी देने वाले कोर्सेज, चार कोर्सेज है। पहले नाम बताता हूँ चारों को, फिर इनमें प्रायोरिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला कोर्सेज है DMLT, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेटर कोर्सेज है। इसके अलावा DRT यानी कि डिप्लोमा इन रेडिएशन, जो भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कोर्सेज है। बाकी अगला आता है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, OT वाला जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, ये भी आजकल ट्रेंडिंग में चलने वाला कोर्सेज हो चुका है। इसके अलावा एक कोर्सेज और बचता है, वो कोर्सेज है आपका डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी। ये चार कोर्सेज को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन चार कोर्सेज में से आपको आराम से, रियली आराम से कॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कौन सा कॉलेज, एक बार अगर आप चॉइस लॉकिंग कर देते हो तो उसके बाद इसमें आप कोई सुधार नहीं कर सकते। तो ध्यान से चॉइस लॉकिंग करना और ध्यान से इसमें सब कुछ करना, सब कुछ बनना, कॉलेज ध्यान से बनना, प्रायोरिटी। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, सबसे पहले देनी चाहिए DRT को। DRT सबसे बेटर कोर्सेज है, DRT को प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको देना है ECG टेक्नीशियन को। किसको? ECG टेक्नीशियन को आपको प्रायोरिटी देनी है, और ECG टेक्नीशियन के बाद आपको प्रायोरिटी देनी है DMLT को, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज को आपको प्रायोरिटी देनी है। इसके अलावा आपको फिर प्रायोरिटी देनी है लास्ट में, सबसे लास्ट में देनी है 4th नंबर पर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर को प्रायोरिटी देनी है। बाकी ये चार कोर्सेज आप कर सकते हो, या फिर आप मान लो ओनली एक ही कोर्सेज करना चाहते हो। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो ओनली डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी वाला टेक्नोलॉजी वाला ही करना चाहता है, DMLT करना चाहता है, DRT करना चाहता है, तो ओनली यही करेंगे कि वो ओनली वही कोर्सेज चूज करेंगे जो उसको करना होगा। जैसे कि टोटल 12 तरह के, इसमें 16 नज़र आएंगे आपको, लेकिन 12 ही तरह के डबल हो गए वापस चेंज है, तो 12 तरह के कोर्सेज है। 12 तरह के कोर्सेज आप कर सकते हो जो RPMC के किसी भी कॉलेज से कर सकते हो। सभी RPMC से 228 कॉलेज टोटल हैं, उन 228 कॉलेज से आप RPMC में एडमिशन ले सकते हो। RPMC में DMLT, DRT, ECG टेक्नीशियन, OT टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हो। तो आप जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी मैसेज रहता है कि हम ओनली DMLT करेंगे तो वो DMLT करते हैं, कुछ बोलते हैं कि हम DRT करेंगे, DRT करते हैं तो DRT कर सकते हैं। सभी 2 ईयर्स के कोर्सेज हैं, लेकिन क्या होता है कि RPMC अपने एग्जाम टाइम पर, जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं वो टाइम पर नहीं करवा पाती, इस वजह से आपका जो सेशन है वो लॉन्ग खिंच जाता है। बाकी और कोई बुराई नहीं है RPMC में, बस यही सबसे बड़ी बुराई, नहीं तो RPMC में जितनी जल्दी जॉब लगती है उतनी जल्दी नर्सिंग में भी जॉब नहीं लग पाती। बट मेन रीज़न ये होता है कि टाइम से एग्जाम नहीं करवा पाती, इसलिए RPMC सभी की नज़रों में आई हुई है और सभी इसके लिए भला बुरा बोलते रहते हैं। वैसे RPMC में हर साल सीटें खाली, जब भी वैकेंसी आती है तो सीट्स खाली जाती हैं, और ECG टेक्नीशियन की इस टाइम इतनी डिमांड है। एम्स हुआ, कहीं भी कोई सा सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, वहाँ भी इसकी ECG टेक्नीशियन की डिमांड इस टाइम पर चल रही है। तो आप ECG टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा वो करोगे तो बहुत ही फायदे में रहोगे।
चलिए अपन अब इसकी जो कॉलेज लिस्ट है, कॉलेज लिस्ट को देख लेते हैं, कितने कॉलेज है, कितने कॉलेज नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिक्स डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने सिक्स डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज है। टोटल 475 सीट्स रखी गई है, कितने सीट्स रखी गई, 475 सीट्स रखी गई है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, कौन से कॉलेज में गवर्नमेंट की कितनी सीट है, कौन से कोर्सेज की सीट्स है। अब आपको सोच रहे हो कि हमें ओनली DMLT वाले, बहुत कल कमेंट आए थे मेरे पास, मैसेज भी आए थे इंस्टाग्राम पर, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करना चाहो तो कर सकते हो, devender.rj08 के नाम से इंस्टा आईडी मिलेगी, आप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता करें कि हम ओनली मेडिकल DMLT वाले कोर्सेज ही करने, DMLT वाले कॉलेज कौन कौन से हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी वाला जो चीज़ दिखाई दे रही है इसको करना है आपको पूरा सेलेक्ट, इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करने के बाद करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ जाओगे आप, यहाँ एक सर्चिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, ये PDF डाउनलोड कर लेना आप RPMC ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ जाकर सर्चिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, सर्चिंग के ऑप्शन पर सर्चिंग पर आपको डालना है। जैसे सर्चिंग पर डालोगे इसको सर्च कर देना है, जितने भी आपके मेडिकल DMLT वाले कोर्सेज होंगे, जैसे कि एक ही आ गया सेकंड नंबर पर, जो भी जितने भी कोर्सेज होंगे ना सब पे अपने आप चली जाएगी ये, अपने आप नेक्स्ट करते जाओगे अपने आप आगे आगे होते जाएगी, देख सकते हो आप। ये देख लो कितने से वो डिप्लोमा वाले उन्हीं पर जा रही है, उनके अलावा किसी अदर कोर्सेज पर नहीं जा पा रही है, तो देख सकते हो आप सब पे अपने आप हो जाती है, और चेक कर लोगे कि कौन से कोर्सेज का कौन सा ये है, ठीक है। टोटल 228 कॉलेज है जो आपको मैं दिखा देता हूँ, टोटल 228 कॉलेज है, पहले 224 खोले थे, लेकिन ये जो 20 जुलाई को जो नया नोटिफिकेशन रिलीज किया था RPMC ने, इसमें आपको चार कॉलेज नए ऐड किए हुए हैं, तो इस वजह से देख सकते हो आप 228 कॉलेज हो गए, यानी कि 228 कॉलेज नहीं हुए, कॉलेज तो वही है लेकिन इनमें कोर्सेज बढ़ा दिए, चार कोर्सेज नए जोड़ दिए हैं। मतलब कुछ कॉलेज जिसमें कोर्स नहीं थे पहले टाइम पर, लेकिन उन कोर्सेज को फिर से नया ऐड किया है तो वो बढ़ चुके हैं, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये बता सकते हो आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहता है कितना नहीं रहता। DMLT अब बहुत सारे कोर्सेज करना है, डिप्लोमा इन एमरजेंसी वाला भी अच्छा है, लेकिन आप करना चाहो तो एमरजेंसी वाला, बाकी प्राइवेट से गवर्नमेंट में बहुत ही कम मिलेंगे, गवर्नमेंट में कुछ ही कोर्सेज है जो आप कर पाओगे। ब्लड बैंक वाला ओनली ब्लड बैंक के टाइम पर ही आपको देखने काम आता है, ब्लड बैंक में आपको जो मिल सकती है तो ब्लड बैंक वाला कोर्सेज भी आप कर सकते हो। बाकी हर कोर्सेज के बहुत सारे कॉलेज है तो आप ले सकते हो एडमिशन। आप चाहते हो कि कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाए कि कहाँ तक ही कट ऑफ वालों को, कहाँ तक रैंक वालों को कॉलेज मिल जाएगा नहीं मिलेगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि कितने रैंक वालों को कॉलेज मिल सकता है, कितने वालों को नहीं मिल सकता। लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं, फाइनल कट ऑफ तो RPMC ही बता पाएगी, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स काउंसलिंग करवा पाते हैं कितने नहीं करवा पाते हैं, इस वजह से डिपेंड करता है कि RPMC ही बता पाएगी इसके ऊपर मेन रीजन, तो ठीक है कितनी कट ऑफ जाने वाली है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और आप अगर स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल वाली जो बुक्स खरीदना चाहते हो फिजिक्स और बायो की, तो आप खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो या कोई आपका रिलेटिव नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है तो वो जरूर खरीद सकते हो। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बुक्स नहीं मिलती तो वो उनकी गलतफहमी है, कल बुक्स आप देख सकते हो, कमेंट करने वाले गलत कमेंट करें तो उससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद।